वेलकम एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी जैन। आज हम जानेंगे विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक और एक चर्चित पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स के लेखक स्टीफन हॉकिंस के बारे में। स्टीफन हॉकिंस का पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंस। इनका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 जनवरी 1942 इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड सिटी में हुआ, जो एग्जैक्ट गैलीलियो की 300वीं डेथ एनिवर्सरी के दिन था। ये एक संयोग ही है। स्टीफन हॉकिंस का जन्म इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो की डेथ एनिवर्सरी के दिन, तो उनकी मृत्यु जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हुआ, और उनकी मृत्यु के दिन 14 मार्च को गूगल डूडल पाई डे भी सेलिब्रेट कर रहा था। के पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंस और माता का नाम इसाबेल हॉकिंस। हॉकिंस को 1963 में सिर्फ 21 साल की उम्र में एमीट्रॉफिक लेटरल स्केलेरोसिस ALS नामक बीमारी हो गई थी, जिसे मोटर न्यूरॉन डिजीज भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन डिजीज से ग्रसित व्यक्ति सामान्यतः 2 से 5 वर्ष तक ही जीता है, और हॉकिंस को भी डॉक्टर ने सिर्फ 2 वर्ष तक का समय दिया था। फिर भी वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर दशकों जिए, और सिर्फ जिए ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद महान सैद्धांतिक भौतिकविद भी बने। हॉकिंस 2 बार शादी करते हैं। पहली 1965 में जैन हॉकिंग से और दूसरी इलेन मैसन से। जैन से उन्हें 3 बच्चे हैं, रॉबर्ट, लूसी, टिमोथी हॉकिंग। हॉकिंस की लाइफ पर एक फिल्म भी बनी है, द थियरी ऑफ एवरीथिंग, जो हॉकिंस की पत्नी जैन की लिखी किताब ट्रेवलिंग टू इन्फिनिटी माई लाइफ विद स्टीफन पर आधारित है। हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया है। कई रिसर्च किए हैं, जैसे हॉकिंग रेडिएशन, पेनरोज हॉकिंग थ्योरम्स, बैंकेस्टेन हॉकिंग फॉर्मूला, हॉकिंग एनर्जी, इसी तरह के कई सिद्धांत यूनिवर्स से और फिजिक्स से जुड़े दिए हैं। 12 मानद डिग्रियां थी और कई अवार्ड वो पा चुके थे। 2009 में USA का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी प्राप्त कर चुके थे बराक ओबामा जी के हाथों। की चर्चित पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अलावा द ग्रैंड डिजाइन, यूनिवर्स इन नटसेल, ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स जैसी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना।